नमस्कार आरएमडब्ल्यू प्रेजेंट्स हॉट टॉपिक में मैं ओशिन राजपाल आपका स्वागत करती हूँ कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा जी ने एक ट्वीट किया था जिससे देश भर में बवाल हो गया था उस ट्वीट से शुरू हुआ साइबर अटैक का एक ऐसा दौर जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है उन साइबर अटैकर्स ने बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज को टारगेट किया है आइए इसके पीछे का सच जानते हैं कैसे होते हैं ये अटैक्स कैसे इन्हें रोका जा सकता है विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सचिन पांडे सर सचिन जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है फायर बॉल और जो इंक्रिप्शन टेक्निक है आर एक kind of एक लगा हुआ है कि हम लोग रोक पाए अटैक्स को बट सिनेरियो ऐसा होता है कि जो आजकल के वेबसाइट्स जो बनते हैं ठीक है ड्यू टू लो बजट हम लोग यूज़र्स क्या करते हैं सी एम चूज़ करके उसके उस बेस के ऊपर वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन सी का क्या होता है कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बना प्री डिफाइंड सब कुछ बना गया बना हुआ है बट उसके क्या हो रहा है उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं जो कि अपडेटेड नहीं है ठीक है और अपडेटेड भी हैं तो उनके जो वेरियस प्लग इंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि अपडे लेटेस्ट वर्जन जो लेटेस्ट कॉन्फिग्रेशन आ रहे हैं जिस हिसाब से सिस्टम चल रहे है जिस हिसाब से हमारा विंडोज़ अपडेटेड होता है उस हिसाब से वो अपडेटेड नहीं होता तो उसमें क्या हो रहा है ढेर सारे लूप होल छूट जाते हैं और उस लूप होल की वजह से लॉट्स ऑफ अटैक्स की पॉसिबिलिटी संभावनाएं बढ़ जाती है सो एक रीज़न बोल सकते हैं हम लोग जहाँ पे वेबसाइट हैक होने का सेवेंटी टू एटी परसेंट चांसेस बढ़ जाता है सर आपने कहा कि लूपहोल्स की वजह से अटैकर्स को इजी हो जाता है हमारी वेबसाइट हैक करना तो क्या तरीका है कि हम ये लूपहोल्स को अवॉइड कर सकते हैं ऐसे तरीके बहुत सारे ढेर सारे तरीके अवेलेबल है अगर उस चीज़ को प्रॉपरली अपनाया जाए तो क्या होता है जब भी कोई डेवलपर कोड करता है तो उस टाइम पर अगर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है ठीक है तो प्री डिफाइंड कोड्स अवेलेबल है उस डायरेक्ट लगा देता है और उस वजह से चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाते अगर उस चीज़ को हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डेवलपर स्क्रैच से वेबसाइट बनाता है या तो फिर कोई पर्टिकुलर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर वेबसाइट बनाया जाए ठीक है पर्टिकुलर डेवलपर अगर एक एक चीज़ पे ध्यान करके बनाया जाए तो वो वेबसाइट प्रॉपरली बनेगी बट यहाँ पे एज़ पर जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट चीज़ें छोटी नहीं है तो इस चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए राइट सो जब भी वेबसाइट बनती है तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बग बाउंडी प्रोग्राम्स चलते हैं तो बॉन्टी प्रोग्राम कैसे बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज़ होगी एम एन सी टॉप कंपनीज़ होगी इनफैक्ट गूगल माइक्रोसॉफ्ट वैग एप्पल जो भी जितनी कंपनी तो जब भी कोई नए टेक्नोलॉजी या नए सॉफ्टवेयर्स बनते हैं अप्लीकेशन बनते हैं तो क्या करते हैं एक प्रोग्राम चलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बग बॉन्ट्री प्रोग्राम उसमें क्या हो रहा है जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे इथिकल्स हैकरस हो गए या साइबर वाइट अटैकर्स हो गए वो क्या करेंगे आपके वेबसाइट पर आएंगे अपलिकेशन चेक करेंगे और उस चीज़ को चेक करने का उस चीज़ लूप होल्स को हटाने का इनफैक्ट कंपनी उनको प्राइस देती है ठीक है, चाहे वो प्राइस बहुत अच्छे हैंडसम अमाउंट होता है बट उससे क्या हो रहा है कि अगर जो भी आप मार्केट में इनफैक्ट वेबसाइट या एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले आप बक क्राउड मतलब अच्छे लेवल पे उस चीज की पहले ही टेस्टिंग कर ले रहे हैं तो उससे क्या है लॉट्स ऑफ जितने भी लूप होल्स हैं वो अवॉइड हो जाते हैं इनफैक्ट अवॉइड भी हो जाते हैं और ख़ासकर उनकी तरफ से उन लोग जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है खासकर आपको प्रिवेंशन टेक्निक देते हैं इनफैक्ट प्रिवेंट करके भी आपको देते हैं वेबसाइट कि अगर आप प्रिवेंट यहाँ यहाँ आपके लूप होल्स हैं यहाँ यहाँ आपके मलिशियस कोड रह चुके हैं तो उस चीज़ को कैसे हटाया जाए तो इनफैक्ट वो तो प्रॉपर कोड भी आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करके देंगे जिसको आप अप्लाई कर दीजिए तो उससे बहुत सारे लूप होल्स दूर हो जाते हैं तो एक बेटर टेक्निक है कि आप जब भी कोई भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं आप सोच रहे हैं कि इसको पब्लिकली लॉन्च किया जाए तो उस टाइम पे आप एक बग बाटी प्रोग्राम चलाइए जहाँ पे या तो फिर बग बाउंडी भी अगर प्रोग्राम नहीं चलाना है तो आप सिक्योरिटी ऑडिट कराइए कम से कम सिक्योरिटी ऑडिट से आपके जितने भी जैसे हम लोग अपने अगर कोई फॉर्म ओपन करें तो इनफैक्ट हम लोग अपने कंपनी का ऑडिट कराते हैं हर ईयर ऑडिट कराते हैं राइट right? फॉर्म का तो उसी के तरीके उसी तरीके से होता है वेबसाइट सिक्योरिटी ऑडिट तो वेबसाइट के सारे आप जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं आएंगे अब आप इनफैक्ट आपके वेबसाइट के एक एक लूपहोल्स निकाल के देंगे और उसको सिक्योर करके कर देंगे इनफैक्ट कौन सा सर्वर आपको यूज़ करना चाहिए वो सारी डिटेलिंग वो बना वो बना के देते हैं आपको सो so, कुछ टेक्निक्स है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बग बाउंडी प्रोग्राम चली या फिर हर सिक्स मंथ क्वार्टरली आप एक तो भी ऑडिट कराते रहिए तो ये प्रिवेंशन है कि आप लोग उस चीज़ को लुप को हटा पाएंगे या अपनी वेबसाइट को बचा पाएंगे ऐसे साइबर अटैक्स सर so, जैसे आपने कहा तो हम वेबसाइट्स को परमानेंटली सिक्योर नहीं किया जा सकता है क्या आ, नहीं इसका डायरेक्ट आंसर होगा नहीं क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस इगरा में हम लोग रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी पहले के जैसे जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था मैं वेबसाइट पे भी आता हूँ जैसे एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था तो हर आए ईयर में एक उसका नया अपडेट आया अपडेट क्यों आ रहा है अपडेट आने का पर्पज़ वही है कि जितने भी लूप पीछे छोड़े गए थे ठीक है उस लूप को आने वाले अपडेट्स में पैचेस में उसको फिक्स किया जाए आप अभी देखते होंगे कि आप विंडोज़ चला रहे हैं मैक चला रहे हैं जो भी आपके सिस्टम्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो हर आने वाले दिन में आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते हैं राइट right? वो अपडेट क्यों आ रहे हैं अपडेट इसलिए आते हैं कि जो भी उन्होंने पहले लूप होल्स छोड़े थे उस लुप होल्स को यहां पे फिक्स किया जाए इसलिए एक सबसे बेस्ट वे है प्रिवेंट करने का एक और भी है जो आप उस चीज को परमानेंटली मतलब अपनी वेबसाइट या जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे है उस हिसाब से आप रेगुलरली अपडेट कीजिए लूप लाइक परमानेंट फिक्स नहीं होने का एक रीजन यही है कि हर आए दिन में टेक्नोलॉजी अपडेट्स हो रही है ठीक है टेक्नोलॉजी जब भी एडवांस होती है तो आपको अपडेट्स करना पड़ता है और जब भी आपने प्रीवियस कोड लिखे हुए थे ठीक है वो तो आपके पुराने टेक्नोलॉजी पे हो गए अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी एडवांस होगी आपको उस चीज़ को परमानेंट मतलब आने वाले दिनों में आपको रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ेगा तो यही एक रीज़न है कि लाइक आप एक बार में नहीं बोल सकते कि ये परमानेंट फिक्स हो गया तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपको अपने वेबसाइट को एडवांसमेंट और इन्हांसमेंट करते रहना पड़ेगा जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है तो हम अपनी वेबसाइट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये साइबर अटैक्स ना करें? सिंपल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है बदल रही है तो आए दिन आपको अगर कुछ अगर लग रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आई हुई है मार्केट में तो उस टाइम पर आपको चेक करना है कि आपके जो वेबसाइट्स बनी हुई है कौन से फ्रेमवर्क्स में बनी हुई है क्या वो अभी के टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है अगर कर पा रही है तो डेफिनेटली आप उसको अपडेट करेंगे एनहांस करेंगे मीन जब भी आप अपडेट करते हैं तो एक बार क्वार्टरली ट्राई कीजिए कि आप उसको सिक्योरिटी चेक्स कराइए हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली है बट आपके वेबसाइट जो अटैक्स हो रहे हैं अन मेलिशियस जो कोड आ रहे हैं मेलिशियस कोड आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे उस चीज़ को बचाने के लिए क्योंकि वेबसाइट पे अनवांटेड मैसेज शो होना इट्स नॉट अ गुड थिंग ठीक है उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है तो एक ही चीज़ है आप अपडेट रेगुलर अपडेट करते रहिए वो ज़्यादा बेटर है दूसरी चीज़ ये सिर्फ वेबसाइट की ही बात नहीं होती बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमारे हुमेंस की भी अभी हम लोग आए दिन क्या कर रहे हैं कि अगर जब भी कोई फ्री टूल मिलता है ठीक है या फ्री वा, पब्लिक वाईफाई भी मिल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं चलो यार वहाँ जाते हैं फ्री में मिल रहा है दो मिनट बैठ के डाउनलोड कर लेंगे फ्री का तो वाईफाई क्या जा रहा है बट जब भी आप फ्री वाईफाई पे कनेक्ट करते हो तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने मोबाइल का जितना डेटा हो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो इजीली इसलिए अवॉइड कीजिए कि आप फ्री वाईफाई पे कनेक्ट ना करिए क्या होगा ज्यादा से ज्यादा नेट प्लान है आपका जियो ने ऑलरेडी हर चीज़ फ्री कर चुकी है राइट तो दो चार एम खर्च होंगे दस एम खर्च होगा बट आपका डेटा सिक्योर्ड रहेगा मीन ऑयल जितने अटैक फिशिंग अटैक जो होते हैं रेगुलर हो रहे हैं आपने देखा होगा व्हाट्सअप जो आप चला रहे हो राइट right? व्हाट्सएप पर चलाते वक्त किसी ने बोला कि आप इस चीज़ को शेयर करो दो शेयर करो लाइक यू विल गेट टेन रुपीज राइट बट उस टेन रुपीज के चक्कर में आप जो लिंक पे क्लिक करते हो ठीक है उस लिंक पे ऐसी लिंक होती है कि कभी कभी आपका कैमरा भी ऑन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपके वॉइस भी जाएगी आपको पता नहीं चलेगा इनफैक्ट और ये चीज़ का मैंने लाइव ट्रायल कर चुका है एक लाइक मेरा हमारे क्लाइंट थे जर्मनी के जस्ट उनको एक जस्ट प्रोडक्ट डेमो देना था कि अनवांटेड लिंक से क्या हो सकता है तो जस्ट हमने एक अटैक किया एच टी टी अटैक था जस्ट क्रिएट किया था क्लोन और उस पर जस्ट शेयर कर दिया लिंक उन्होंने शेयर जैसे किया ठीक है उन्हें कुछ नहीं पता उन्होंने जस्ट लिंक पर क्लिक किया था और जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं इनफैक्ट जैसे जैसे उनका मोबाइल मूव हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास उनके सारे स्क्रीन आ रहे हैं सो ये आप सोच सकते हो कि अगर एक गर्ल्स के लिए ये कितना हार्मफुल है गेटिंग इट तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि एक तो आप फ्री के टूल में मत जाओ थोड़े पैसे लगेंगे वो सेव रहेगा आपका डेटा सिक्योर्ड रहेगा आप भी सिक्योर्ड रहे इनफैक्ट हम लोग मोबाइल बैंकिंग हर चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और साथ साथ सिर्फ दस रुपये के लालच किए या बीस रुपये के लालच के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर लिंक को सिर्फ शेयर करने के लिए और दस रुपये लेने के लिए हम लोग अपना सारा डेटा दे रहे हैं तो जितने भी अनवांटेड जो लिंक आते हैं उसको अवॉइड कीजिए उससे क्या होगा आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा और इनफैक्ट आप भी सिक्योर्ड होंगे सर आज आप आए आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी इसके लिए आर की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच